छठ पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन कलेक्टर सभागार में किया गया। बैठक में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा, एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह, एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह, एसपी ट्रैफिक इंदु प्रभा सिंह, नगर स्वास्थ्य अधिकारी मुकेश रस्तोगी सहित पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने सभी छठ घाटों पर व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। जिलाधिकारी ने कहा कि छठ घाटों पर साफ सफाई, लाइटिंग के साथ साथ सुरक्षा के भी व्यापक प्रबंध किए जाएं। उन्होंने कहा कि छठ घाटों पर पहुंचने के लिए किसी को कोई दिक्कत ना होने पाए, इसके लिए ट्रैफिक व्यवस्था भी दुरुस्त रखी जाए, जिससे छठ पर्व करने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा जिलाधिकारी ने नदियों पर एनडीआरएफ को भी मुस्तैद रहने के निर्देश दिए। ये छठ विषय के जो हैं, सभी को बहुत तत्परता से काम करना है। इसमें अवस्थापना के संबंध में जो भी नगर निकाय से आए हुए हैं, सभी वहाँ व्यवस्था, चाहे वो लाइटिंग की व्यवस्था हो, वहाँ पे पोखरे की व्यवस्था हो, वहाँ पे अप्रोच रोड की बात हो, सफाई की व्यवस्था हो, और आयोजकों से मिलकर अगर अन्य अवस्थापनाओं के बारे में उनकी मांग की गई है वो पूरा करना है, और मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी जो लगाई गई है अब वो मजिस्ट्रेट्स अपने काउंटर पार्ट सीईओस और एसओस के साथ मिलकर भ्रमण कर लें, हर एक पॉइंट को सूचीबद्ध कर दें, कहाँ कहाँ क्या क्या सुधारात्मक कार्रवाई करनी है, अभी आपके पास 24 घंटे हैं उसको करा लें। जो मंदिर में विशेषकर करते हैं तो एडीएम साहब और सिटी मजिस्ट्रेट साहब जाके एक बार राउंड लगा के देखें कि वहाँ काफ़ी भीड़ रहती है। मानसरोवर अभी उसका सौंदर्यीकरण भी हो गया है, तो वहाँ और ज़्यादा लोग आने की संभावना है, लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, तो वहाँ पे पूरे रात और सुबह भी आते हैं, वो करा लीजिए। फिर मैं और कप्तान साहब भी कल भ्रमण कर लेंगे उसके। ऐसा मत करिए, अगर कोई यहाँ पे सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं हो रहा है तो वहाँ जो लोग पूर्व में इसी तरह के आयोजन में जुड़े हुए हैं उन सब से बात कर लें, ताकि एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हो जाए, वहाँ पे ये पता चल जाए कि हम लोग कोई भी कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले के साथ सख्ती से कर रहे हैं, शो ऑफ स्ट्रेंथ हो जाएगा, हमारी व्यवस्थाओं के बारे में भी उनको संज्ञान में आ जाएगा, उनसे फीडबैक भी प्राप्त हो जाएगा। तो उनको नहीं बुलाया, लेकिन उनको अलग से आप बैठक दे दीजिएगा, छोटी बैठक, और उनको बता दीजिएगा कि उनको ड्यूटी में समय से पहुंचना है, और कोई बात है तो कम्युनिकेशन रखना है। सभी मजिस्ट्रेट और एडीएम तो भ्रमण कर ही रहे हैं, अपनी बात 6 तारीख तक पूरे हो जाएंगे, हो जाएगा, हो गया है, पूरा हो गया, एक बार निरीक्षण करके देखो क्या कमी रहेगी, लाइटिंग आपको दिख जाएगा, कल आके हम लोग देख लेंगे। विशेषकर जिन मोहल्लों महिलाएं और ये लेके जाती हैं, उन मोहल्लों में अगर किसी और समुदाय के यहाँ से गुजरना पड़ता है तो वहाँ भी कोई छेड़छाड़ की घटना या कोई भी ऐसी घटना होने की संभावना जाती है, वहाँ पे वहाँ के मौलवी हो या धार्मिक नेता हो, सभी से बात करके पहले से, ताकि कोई घटना हो जाए तो वो आपकी मदद करने के लिए वहाँ खड़े हो जाए।